हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यू टू COVID-19, यानी कोरोना वायरस 19 के कारण जो आर्थिक स्थिति है उसके संदर्भ में देखते हैं। तो उसके संदर्भ में पहली बात है कि समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों में लक्षित 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज संभव है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5 से 6 लाख करोड़ तक का पैकेज आपको बनाना ही पड़ेगा। आइए अब इसके पृष्ठभूमि में देखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड्स में। तो पहले ही ऐसे खबरें हैं कि भारतीय रेस्टोरेंट अकेले औपचारिक क्षेत्र में बंद हो सकते हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो गई हैं तो उससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। संपूर्ण मोटर वाहन क्षेत्र यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो भी बंद है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों की 1 लाख से ज़्यादा लोगों की आय खतरे में जाएगी। जो तीसरी बात है कि जब व्यापार बंद हो जाता है तो वो अपने वाणिज्य दायित्वों को, चेन को और अपने फाइनेंसरों को डिफ़ॉल्ट करता है। जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो वो क्रेडिट जिनसे लिया वो चुका नहीं पाएगा, और जब चुका नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में यानी कि इकॉनमी में क्रेडिट इंक्रीज कर जाएगा। अब पहले ही हमारे यहाँ NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत काफ़ी है, तो इनके वजह से भी और ज़्यादा होने वाला है। चूँकि ये एक वैश्विक संकट है, वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम है, इंडिया का अकेले का नहीं है, तो इसमें ये संभव है कि आप आयात आपको रोकना पड़ेंगे और वसूली के लिए निर्यात भी कर सके। यानी कि वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप आयात करें यानी कि इंपोर्ट करें, और या वसूली के लिए पैसे कमाने के लिए आप एक्सपोर्ट करें। तो हर जगह प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को कर अभी नहीं सकते हैं। इस स्थिति में भारत को व्यापारिक रिकवरी पैकेज, जो रिकवरेबल पैकेज होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे अच्छे कदम उठाए जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ और उससे हमारी इकॉनमी रीबिल्ट यानी कि पुनर्जीवित हो सके। अब आइए देखते हैं कि जो पैकेज है वो 4 पिलरों पे होने चाहिए। पहला पिलर है कि प्रभावित हो, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस बीमारी से, उनको जल सुरक्षा यानी कि जो प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराना। जो हमारी रियल इकॉनमी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एड्रेस करना, ये हमारी दूसरा पिलर है। वहीं जो तीसरा पिलर है वो ये है कि जो वित्तीय प्रणाली है यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो तरलता से निचोड़ना, जो भी हमारे इकॉनमी से हम जहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं हमें इस वक्त निकालना चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जो चौथा हमारा पिलर है वो ये है कि जो हमारा व्यापार और वाणिज्य है यानी कि बिजनेस और इनकम है, उसको इस समय बाहर क्षेत्रों में यानी कि एक्सपोर्ट में प्रोत्साहित करना यानी कि प्रमोट करना होगा, सो दैट हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हमारी इकोनॉमी डिग्रेड होने से यानी ख़त्म होने से बच जाए। अब देखते हैं कि जो स्टेप्स सेंट्रल बैंक के लिए लिए गए हैं वो क्या हैं। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक जो क्रेडिट से रिलेटेड एक डिसीजन लिया है, जिसमें उनको जो क्रेडिट रोल है उसको ओवर करने के लिए, यानी कि जो लोग जिन्होंने क्रेडिट लिया है अब इस महामारी में तो पे कर नहीं पाएंगे बिकॉज़ उनके जॉब्स जा चुके हैं ड्यू टू लॉकडाउन। जब लॉकडाउन है, जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्रेडिट कैसे पे करेंगे। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया कि जो इनकी क्रेडिट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, जो इंस्टॉलमेंट्स है वो उसको फर्दर मोर कर दिया जाए, सो दैट जब वो इनकम हो तब वो उसको पे ऑफ करें। दूसरी बात है कि केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक से, उसको तुरंत व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यानी कि जो बिजनेस जो प्रोसेस जो बिजनेस हमारी चल रही हैं, जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए इनको जो क्रेडिट इंटरेस्ट है यानी कि जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है क्रेडिट पे उसको कम करना होगा। वहीं तीसरी बात है कि 2 साल के जो टैक्स हॉलीडे होती हैं उसको देना पड़ेगा, किसके लिए, हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या हमने मिनिमम 2 साल का टैक्स जो हॉलीडे यानी कि टैक्स छूट होती है उसको देनी पड़ेगी,
सो दैट हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज करे, जिससे हम इकोनॉमी को हम स्टेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो बजटीय पूंजीगत जो व्यय है, यानी कि जो बजट हमारे फाइनेंस है, और जो युक्तिकरण है, और तेल बोनांजा है, यानी कि जो ऑयल पे पेट्रोलियम पे है, उसको हमें फिर से स्थापन करना होगा, यानी कि फिर से हमें उसको लाना होगा। इसका उपयोग राजस्व की कमी के लिए, जो भी हमारे जो गवर्नमेंट के पास जो इनकम की कमी हो रही है, उसको रिकवरी के लिए कई सारे पैकेजेस यानी कि नीतियाँ किया बनाई जा सकती हैं। इसे हमें बहुत सारे प्रोत्साहन पैकेज भी, यानी कि प्रमोशनल पैकेज भी, राजकीय कोषीय जो भी कमियाँ हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए भी बनानी पड़ेंगी। सो दैट हम इस बीमारी को ज़्यादा स्ट्रेंथ से, ज़्यादा ताकत से लड़ सके और अपने इकोनॉमी को हम मेंटेन कर सके। भाई देखते हैं इसके सुझाव क्या हैं, सजेशंस क्या क्या हैं। तो पहला है कि जो बुनियादी अधिकार है वो उसमें प्रदान करता है, यानी कि फाउंडेशनल जो राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। जो नौकरियां, आय, खपत के विनाश के सीधे नगद हस्तांतरण, यानी कि जिनके भी जॉब्स गई हैं, जो एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को चली गई हैं ड्यू टू दिस COVID-19, उनकी नौकरियों की वजह से जो उनको लॉस हो रहा है इनकम का, उसके लिए हमें उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करने होंगे। वहीं जो हमारे हजारों करोड़ों के बजट होती हैं किसान पीएम किसान कार्यक्रम है, उसको भी इसी पैकेज में, यानी कि जो कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें जोड़ना होगा। सो दैट हमें अलग अलग खर्चे ना करने पड़े, और हमको जितना ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे, उतना ही समय बेहतर है। अब जो मनरेगा है, उसके जो भी लोग हैं मनरेगा में, जितने भी जुड़े मजदूर हैं, उनको भी उनको साथ जोड़ के हमें जो भी बुनियादी ढांचे हैं, यानी कि जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि अस्पताल हुए, क्लिनिक हुए, उसको हमें तैयार करना होगा, ताकि इस बीमारी से बीमारी को हम जल्द से जल्द आगे पहले ही रोक सकें। इसमें फूड कॉरपोरेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी FCI के पास स्टॉक है, जो भी स्टॉक करती है गवर्नमेंट, उसको PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हमें बांटने होंगे। और सिर्फ बांटने ही नहीं होंगे, हर परिवार को मुफ्त 10 किलो चावल और गेहूं भी उपलब्ध कराने होंगे अलग से, ताकि इसमें किसी को भी उनके जीवन यापन में कमी ना आए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो ऑलरेडी हम माल नरिश्ड कंट्री हैं, यानी कि हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में या लोगों में। तो उस चीज़ से भी लड़ने के लिए हमें इसकी PDS सिस्टम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। वहीं जो आखिरी बात है कि जो COVID-19 का परीक्षण है, यानी जो भी इसका टेस्ट है, वो प्राइवेट हैंड्स में भी अब डालने पड़ेंगे, सो दैट ये बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंच सके, और डायरेक्ट लोगों तक, यानी सीधे रोगियों के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से ये सजेशंस है, जिससे हम जिसके अब जिसको हम अपना के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें आगे क्या रास्ता निकल सकता है। तो सबसे पहला है कि भारत को समाज के सभी वर्गों, यानी कि जितने भी लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लक्षित 5 से 6 करोड़ जो रुपए के तत्काल राहत पैकेज है, उसको अनाउंस करना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम आपको 5 से 6 लाख का पैकेज अनाउंस करना पड़ेगा सभी सेक्टर के, सिर्फ अनऑर्गेनाइज से नहीं होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी आपको देने होंगे। वहीं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो एक अंधेरे चरण के लिए नेतृत्व कर रही है, यानी कि डार्क इकोनॉमिक, ब्लैक की तरफ जा रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी भारतीयों के लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए, ये हमारे लिए चुनौती की तरह साबित हो रही है, तो उसको भी हमें एड्रेस, यानी कि देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।